टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर से एक मेकअप लुक लेके मैं वापस से आ गई हूँ कि जैसा भी मुझे आता है और विद हेयर स्टाइल। बहुत ही सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है, आप खुद भी बना सकते हैं, किसी और की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए और एक सिंपल सा मेकअप लुक, करवा चौथ, नवरात्रि, दिवाली, आप किसी पे भी आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा मेकअप लुक। तो चलिए बकवास नहीं करते, फटाफट हम ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है मैंने वो देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है क्या करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्किन प्रेप से ही, और डायरेक्ट नहीं, मतलब मैंने पहले से नहीं प्रिपरेशन करी, नहा के जस्ट मतलब नहा तो सुबह ली थी, फिर वापस से जब दोबारा, आपको पता है फास्टिंग चल रही है तो एक दो बार तो हो ही जाता नहाना, बस इसको थोड़ा सा वो हो जाए, थोड़ा सा सूख जाए। और आपको पता है कि हम टोनर क्यों लगाते हैं, ये ना हो तो आप लोग गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लगा दिया शुगर पॉप लिप बाम, बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अगर कहीं नीचे ऐसे आसपास जाना हो तो मैं लिप बाम ही लगाती हूँ, लिपस्टिक नहीं लगाती, बहुत रेयर ही लगाती हूँ, जैसे वैसे कहीं अगर लंबे टाइम के लिए जाना हो तो। और ये आजकल मेरा करंट फेवरेट मॉइस्चराइज़र आप लोगों को बना, बहुत अच्छा सा है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, आप खुद देख सकते हैं जो पहले वीडियो देखे। ये दानों को तो छोड़ दीजिए, ये पहले के हैं, धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं आपको पता है। बाकी ऑल ओवर जो टेक्सचर है जो स्किन का, वो बहुत अच्छा हो गया है, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं है मेरी स्किन आज के टाइम में। नहीं तो जैसे ही विंटर हल्की हल्की स्टार्ट हो जाती है ना, सनस्क्रीन लगा ली, क्योंकि इस समय है गर्मी। और फिर पता क्या, अभी मैं मेकअप करने के बाद रील बनाऊंगी, तो रील बनाने के बाद पता है आपको धूप में भी बनाना पड़ेगा, तो वैसे भी मैं जाना ही, तो सनस्क्रीन तो खूब सारा थपोड़ लीजिए, मतलब पोत लीजिए, मतलब लगा लीजिए, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। मैं तो घर में रहती हूँ तो भी लगाती हूँ, और मैं फ़िलहाल यही लगाती हूँ लैक्मे की, और ये और सीरम जो कि बहुत ज़रूरी है। और आप मुझे देख रहे हैं मैं किससे बकवा, ये आयु था, आयु घर पे था, इसने, मैंने कहा मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि ये दोनों स्कूल रहे तो उसी टाइम मैं मेकअप वीडियोस बना लूँ, ब्लॉग तो बन जाता जो मेकअप वीडियोस होते। ये गाइस मैं नया यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही है ममा अर्थ का कंसीलर, तो मैं पहले आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। बहुत ही अच्छा, लिटिल मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर मुझे मेबलिन के बाद कोई पसंद आया है तो सेकंड है ममाअर्थ का ये फ़िलहाल अभी जो। और मैंने कॉम्पैक्ट से मतलब बेस, उसका आई बेस सही कर लिया था, फिर मैंने एकदम लाइट कलर का लिया था आई शेडो, जो ग्रीन के बगल वाला वो लिया था, वो वीडियो कट हो गई। उसके बाद मैंने एकदम लाइट ग्रीन क्रीज लाइन पर लिया है। बेस सेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी आंखों का मेकअप अच्छा होता है। आपको लग सकता है कि स्टार्टिंग में कैसा आई मेकअप लग रहा है ग्रीन, अब भी आप देखेंगे थोड़ा सा लगे, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा ना, लिटरली बोलो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फेस्टिवल टाइम ये मेकअप लुक आप करवा चौथ पे भी कर सकते हैं, नवरात्रि में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आँख आईज थोड़ी बोल्ड लुक हो गया है, मैंने कहा कि प्लेन प्लेन भी बहुत हो गया था तो थोड़ा सा हो गया, तो पिछले मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने बोल्ड आई, ये भी मेरा था मन कि मैं एक दो बोल्ड आई का भी मेकअप लुक डालूँ कि ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पे एकदम मैंने पूरे ही ग्रीन लिया है, और फिर मैंने जो कॉर्नर पे है वो डार्क ग्रीन कलर का शेड लिया है, पहले लाइट लिया था उससे थोड़ा, फिर डार्क ग्रीन। मेकअप इसलिए मैं पहले कर रही हूँ क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं ना वो फिर फैल ही जाते हैं, तो फिर उसको हम बाद में कंसीलर से ठीक कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है थोड़ा कॉपर शेड में गोल्डन ग्लिटर, ये मैंने, ये देखिए आगे साइड मैंने इतना नहीं किया था, छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये ग्लिटर करना था। फ्लैट ब्रश लीजिए और उसके, ये देखिए बहुत अच्छा मेकअप लुक आता है। और फिर उसके बाद मैंने लगा दिया है इनसाइड का ही पैलेट था, उसमें से कोई भी आप ले लीजिए, मैं प्रोडक्ट के नाम इसलिए भी ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे ही कर सकते हैं। तो मैंने ये लिया करेक्टर, क्योंकि आपको पता है इस समय फेस पे हुए हैं पहले, ये मेरी गलती यार, दाने होते मुझे पता नहीं क्यों इरिटेशन होती, मैंने उसको कर दिया, वो ब्लैक से स्पॉट्स हो गए, धीरे धीरे जाएंगे लेकिन फिर भी बहुत पहले से लाइट हो गए। और वही ममा अर्थ का मैंने कंसीलर लगा लिया है, मैंने मंगाया, मैंने कहा मैं भी यूज़ करके देखूँ क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया इसका। तो ऑब्वियसली आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो पहले देखते हो कि औरों ने यूज़ किया कैसा है कैसा नहीं है। इतना स्मूथली मतलब लग जा रहा था, इतना मतलब फ्लॉलेस फिनिशिंग, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं सही बता रही हूँ। और ये ममा अर्थ का जो मेरा शेड है मीडियम, वो मैंने
यूज़ किया। इसका फाउंडेशन भी मैं सच बता रही हूँ बहुत अच्छा था, अच्छा था क्या, बहुत अच्छा है। मैंने ये मंगाया, मैं यूज़ कर लिटरली बोल रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं आपको अपना पर्सनली रिव्यू बता रही हूँ, औरों ने भी इसका बहुत अच्छा दिया। आप यूट्यूब की वीडियोज़ में देखेंगे जिन्होंने ममाअर्थ का, मैंने यूट्यूब पर ही देख के लोगों का देखे तो बहुत अच्छे बताया इसका। तो मैंने कहा लाओ यार ये देखो ना कितनी अच्छी मतलब फिनिशिंग दे रहा है, आप खुद देख लो। मतलब ऐसा नया वो जैसे नहीं होता कैकी सा हो जाता फटाफट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इतना अच्छा था जैसे लग रहा था कि मॉइस्चराइज़र इसमें मिला हुआ था। तो ये विटामिन सी वाला था। तो आई मेकअप आप लोग देख लीजिए, और अभी तो मैंने लाइनर मस्कारा ये नहीं लगाया है। सो अब मैं अपनी आईब्रोज़ फिल कर लूँगी, आईब्रोज़ बहुत ज़रूरी, बहुत सुंदर लगती है। तो मैंने कोई भी पाउडर ले लीजिए, आईब्रो पेंसिल ले लीजिए, जिससे भी आप कम्फर्ट है जो आप कर सकते हैं। मेन चीज़ प्रैक्टिस की होती है। और इसको मैं इससे ब्रश से ये आगे से ऐसे होता है स्लांटिंग में होता है, और इसके पीछे स्पूली भी बनी होती है उसे सेट करने के लिए। आईब्रोज़ तो मेरी ऑल ओवर सेट हो जाती है, मुझे आईब्रोज़ भी थ्रेडिंग भी करवानी है, बट मैं सोच रही हूँ अब थोड़े से दिन रह गए, अगर मैंने अभी बनवा ली तो छोटे छोटे बाल आ जाएंगे उस टाइम करवा चौथ पर, फिर हो नहीं पाएगा, फिर निकलते। तो मैंने कहा थोड़े दिन और रुक के फिर मैं कर लूँगी। और ये देखिए मेरी आईब्रो सेट हो गई है। और ये कनाडा का फेस कनाडा का लाइनर, लिटरली ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक इतना सा है आप अपने पर्स में भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं, और बहुत अच्छा बहुत स्मूथली लग जा रहा था। और मोस्टली मुझे मेरी आईज़ बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं, ठीक ठीक है, तो मुझे विंग लाइनर अच्छा लगता है। तो मोस्टली ज़्यादातर मेरे मेकअप लुक में आपने देखा होगा कि मैं विंग लाइनर ही लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाती, ठीक ठीक लगाती हूँ। ये देखिए एंड देन मेबलिन का मश्कारा और आई मेकअप। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पहले कैसे लग रहा था ना, देखा होगा आप लोगों ने, पहले अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब हम उसको प्रॉपर करते हैं तब अच्छा लगता है। ये देखिए, तो आप इस टाइप का कर सकते हैं मेकअप लुक आपके करवा चौथ पे, एंड फेस्टिवल टाइम है तो आपको पता ही है। और ये मश्कारा मेरा फेवरेट है, मेरा करंट फेवरेट यही है। मैंने इतना स्विस ब्यूटी का, और मैंने बहुत सारे यूज़ करके देख लिए, पता नहीं क्यों इसे ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैंने ब्लू कलर का लिया है, मैंने ब्लू नहीं था वो ग्रीन था, मेरे हिसाब से सी ग्रीन था, हाँ सी ग्रीन था, अभी आवाज़ में बाद में सी ग्रीन था। फिर मैंने ग्रीन शेड ही लेके नीचे आउटर कॉर्नर पर कर दिया था मैंने। ये देखिए एकदम वही, हमें ऊपर वाला ही शेड लेना है तो उससे अच्छा लगता है। आप दूसरा भी कर सकते हैं आपको जैसे, लेकिन वो एकदम आंखें परफेक्ट लगती है। अब नीचे भी मैं मस्कारा लगा दूंगी। सो अब ये मैंने इनसाइड का, हाँ इनसाइड का ये इसमें क्या है कॉन्टोर और प्लस हाईलाइटर दोनों ही हैं। सो बहुत अच्छा, इसको लगाने में बहुत ईजी और अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत रिजनेबल प्राइस में है। मैंने इसको अमेज़ोन से मंगाया था, बहुत रिजनेबल प्राइस में, बहुत बढ़िया है। तो आप इसे लगा सकते हैं, ले सकते हैं, इसके साथ हाइलाइटर भी आ रहा, तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, ये बेनिफिट है आपको। और हाइलाइटर भी ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाइलाइट तो नहीं करता, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मली ऐसे लगा के जाना चाहो तो ठीक है, ऑल ओवर ठीक ठाक है। मतलब बहुत एवरेज, मतलब बहुत हाई भी नहीं है, मतलब एवरेज कह सकते हो कि ठीक है। एंड ये मेरा न्यू ब्लश पैलेट, आपको पता ही NYB का बहुत अच्छा है, तो मैं इसमें से ले रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें मेरा कोई फ़िल्टर नहीं, मैं कोई जो भी मेकअप आपको दिखता वो ओरिजिनली वही दिखता कि मेरा वही हुआ है, मैं फ़िल्टर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और फ़िल्टर वाली वीडियो देखनी है तो आप इंस्टा पे मुझे जाके देख सकते हैं, उसमें अलग ही आता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती। आपको पता है आजकल शॉर्ट्स में देख रहे होंगे आप लोग कि कितना लोग फ़िल्टर और उसका, भाई वैसे तो देखो लॉजिकली ये है कि अगर फ़िल्टर बना है ना तो ये यूज़ करने के लिए बना है, ये गलत बात है कि आप लोग ये बोलो कि फ़िल्टर क्यों यूज़ करते हो। देन ये है इनसाइड वाला जिसमें मैंने करेक्टर कंसीलर यूज़ किया है, सॉरी उसी का ये हाईलाइटर। ये देखिए आप खुद ही रिज़ल्ट देख लीजिए, मतलब है आप कर सकते हैं, मतलब आपको एक अगर आप फिंगर से जैसे भी इसको चाहे ब्लेंड कर सकते हैं, पर ठीक है आप ये खुद देख लीजिए, अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली मुझे लगता है कि कैरी करने में भी बहुत बढ़िया, वो पैलेट नहीं आपको रखना पड़ेगा, है इसमें कॉन्टोरिंग का भी है, तो यू कैन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के आते ब्रांड के जो आप मंगा सकते, बहुत सारे मैंने देखा, तो मैंने कहा मैं इसे क्यों ना यूज़ करके देखूँ, तो मैंने मंगा लिया, बहुत रिजनेबल प्राइस में था, हाँ तो आई लव इट।
तो मंगा सकते हैं, ये देखिए ठीक है। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी ऐसे में, तो मैंने अपना पैलेट उठाया रेवोल्यूशन का, फिर उसमें से मैंने लिया थोड़ा सा और कर दिया, तो आप करना चाहें। लेकिन वो भी बढ़िया था, मैं ये नहीं कहूँगी, आपने दोनों का वो देख लिया होगा। ऑल ओवर सारी चीज़ें बढ़िया ये आई। मुझे बहुत परेशान करता ये लड़का, बहुत परेशान करता, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, मैं उसको लाइट कर रही थी, आप कर सकते हैं लाइट। और क्योंकि जब तक वो परफेक्शन नहीं आती तो तब तक तो वैसे भी लगता है। तो ऑल ओवर आईज़ मेकअप और सारा डन हो चुका है। देन उसके बाद मैंने एक डार्क पेंसिल शेड लिया है, क्योंकि मैं न्यूड शेड ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे आई मेकअप वो काफ़ी बोल्ड है, तो जाहिर सी बात है कि लिपस्टिक में आप डार्क भी लगा सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों में से एक चीज़ तो लाइट होनी चाहिए। मैंने इसको वैसे पूरे ऑटो पे ही लगा लिया था, मैंने कहा इसके ऊपर से अब मैं न्यूड शेड लगाऊंगी तो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। आप ये भी ट्रिक अपना सकते हैं, ऑटो आउटिंग करने के बाद भी आप अंदर ऑटो पे भी लगा दो तो बहुत अच्छा। ये देखिए न्यूड शेड है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस आई मेकअप के साथ ये शेड बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऑलमोस्ट हो गया है। तो मैं आप लोगों के साथ, ये देखिए मेरा मेकअप फाइनली ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और आई तंग करना मुझे बराबर करता ही रहता। और ये सेटिंग स्प्रे मैंने लगा लिया, क्योंकि मुझे अभी रील्स बनानी, तो जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ अपनी हेयर स्टाइल, बहुत इजी बात है। बस हमने उन लोगों को ऐसे दो पार्ट कर लिए हैं, फिर आगे से ऐसे हमने थोड़े से पार्ट करके और इधर कर लिया है कॉम। और इसको बालों को एक साथ मैंने पहले रबड़ लगा, नहीं तो फिर वो आ जाते हैं साथ में। ग्रे हेयर तो मेरे हैं, बहुत हैं, और कलर करवाते हैं फिर कुछ टाइम बाद फिर हो जाते हैं। अब क्या करें इसका, तो देखो जो ग्रे हेयर है वो तो है, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप जब तक कलर करोगे, जब तक आपके वो आगे हेयर ग्रो नहीं होंगे तब तक तो ठीक है, उसके बाद तो फिर वही आ जाते हैं। एंड देन आपको ऐसे तीन पार्ट करके ऐसे करने, ये वाली तो सबको आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं ना इसको, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हेयर स्टाइल में। बस इसको ऐसे करते रहे, ये आप अपने आप इजीली कर सकते। पहले मुझे भी नहीं आती थी, मैंने दो तीन बार प्रैक्टिस करी थी फिर मुझे आ गई। वैसे तो मुझे काफ़ी लंबे टाइम से आती है, मैं तब की बात बता रही हूँ जब मुझे नहीं आती थी, बस देख देख के बड़ा अच्छा लगता था कि कोई बनाए तो ही अच्छा लगता, लेकिन वो करते करते ना आपको प्रैक्टिस हो जाती है। और जब तक आपको पता, मेरी भांजी थी तो वो करती थी हेयर स्टाइल मेरी मोस्टली, तो उसको बहुत अच्छा लगता था, तो उसको आती थी। और फिर उसके बाद मैं क्या आता था कि मुझे थोड़ी बहुत इसलिए आती थी क्योंकि मैं माही की करती रहती है। आपको पता है डॉटर्स बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, तो माही को मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे हेयर स्टाइल ऐसे, और उससे पहले छोटी थी तो उसकी बुआ भी संगीता भी करती रहती थी, तो बड़ा शौक था। तो ये सारी चीज़ें करते करते, तो वैसे थोड़ा सा हल्का सा हम इसको लूज़ कर लेंगे, नहीं तो एकदम टाइट टाइट बस ऐसे करके। अभी तो मैं इसको क्लिप लगा दे रही हूँ क्योंकि दोनों साइड बना के फिर पीछे बन बनाना है, तो ऐसे करके ये देखो मैंने दोनों बना लिए। फिर मैंने एक ऐसे सिंपल सा बन बना लिया, और आर्टिफिशियल आता है ये आप लगा, पहले इसको मैं क्या करूँगी, इसको इस बन के साइड में ऐसे लपेट, पहले क्लिप लगा के फिर चारों साइड ऐसे लपेट के हम पिनअप कर देंगे, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। और आर्टिफिशियल ऐसे बर्न कर लीजिए तो आप अच्छी से अच्छी स्टाइल बना सकते हैं, बाकी नहीं तो बहुत बढ़िया बनाने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको उन सब चीज़ों के लिए हर तरह की मशीन चाहिए, बहुत होता है, बाकी आप ऐसे सिंपली ऐसे बना सकते हैं। आप लोगों को मेकअप लुक आई थिंक पसंद आया होगा, अगर कुछ कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। और जो भी आपको लगता है, जिस भी जैसा भी मेकअप लुक आप लोगों को देखना है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं कुछ और मेकअप लुक लेके आऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ये मेरी पिक्स, और ये फिल्टर के साथ वाली पिक्स। गाइज अगर अच्छी लगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।